मोमो से पैक करवा लूंगा, तू किसी तरह बस वहाँ पहुँच, तब तक मैं पैक बना लूंगा। मैं तो सारे बोले किसका है, मैं दिल्ली से उबेर छो। कौन सा गाना ये गुनगुना रही थी? दिल्ली से है बहनचोद वाला गाना जो नहीं है, हम क्लब में सुन रहे थे अभी, सो अभी इसके दिमाग में वो बैठ गया है, बोलती है बहुत अच्छा सॉन्ग है। अभी कोई नहीं, 3 बज रहा है, ये देखो बात कर रही है मछलियों से, बोलती है बेबी फिश वेयर आर यू, हाँ व्हाट यू वांट, बोल रही है। स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में, और मैं अभी पताया में हूँ। आप लोगों को पता होगा मैं बैंकॉक से अभी आया, कल पताया मैं मिलने जा रहा हूँ आप लोगों को। याद होगा पताया में मैंने एक दोस्ती की थी लड़की से, उसका नाम था सी पलोई सी। आज मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, और वॉकिंग एसिस के बाद जाएंगे हम लोग साथ में। यार मैं उसको ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, पता नहीं, मुझे एक फोटो भेजी अभी 7-Eleven के पास खड़ी है, बट ये वो खड़ी है देखो, वो वहां पे खड़ी है, ये देखो ये खड़ी है, आ जाओ। ओ थैंक यू, I want you hold. So I want you YouTube blog. Your YouTube blog, okay? तो मैंने कहा तुम पकड़ो, ट्रेनिंग देते हैं तुमको, बट इसको अच्छा नहीं लग रहा अभी। मैं बोला कि हम लोग बाहर में जाएंगे ना, फ्री वाला, जहाँ पे पैसा नहीं, नो मनी। तो बोलती है नो मनी, मैं तुमको पैसा दूंगी, ऐसा है मेरे पास, लेकिन वो फ्री बाय होता है ना जो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर बोलती है हाँ, अभी हम इस क्लब में जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वहां पे पता नहीं बोलते हैं इंडियन को एंट्री नहीं है। मैंने कहा, मैंने इससे बोला कि तुम जाके पूछो, क्योंकि वो थाई बोल रहा था, तो बोलता है कि हाँ उसमें सिर्फ थाई जा सकते हैं, इंडियन वगैरह दूसरे, पता नहीं सिर्फ इंडियन का था, मुझे पता नहीं, क्योंकि यार इंडियन कुछ यहाँ पे जो है ना, कुछ बहुत सारे ऐसे कांड कर चुके हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे, कोई क्लब देखते हैं फिर। भाई ये इंडियन क्लब है, मजा आया इंडियन क्लब। भाई भाई बहुत मजा आया यार, कसम से बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम मतलब ये इस तरह का क्लब में मैं गया था,
खाउसान में गया था बट वो कुछ इस तरह का नहीं था। और इसमें मुझे एक चीज बुरी लगी, दो चीजें बुरी लगी। एक तो महंगा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक जो ड्रिंक है, एक बियर का बोतल है छोटा सा मीडियम वाला, जो कि बाहर ये मिलता है 55 बात का, वो मुझे पड़ा था 250 या कुछ का पड़ा था, मतलब डबल से भी ज्यादा। सो ये चीज मुझे महंगा पड़ा। और दूसरी चीज है कि वीडियो बनाना, वहां पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है जब बेली डांस हो रहा है। बेली डांस मतलब रशियन थी, रशियन बेली डांस कर रही थी, जैसे मैंने कैमरा उठाया ये लोगों ने स्टॉप कर दिया। हालांकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंडियन है, इंडियन क्लब था। दो चीजें जो थी मुझे बुरी लगी। सो मतलब जो बियर का रेट होना चाहिए जेन्युइन जो था 100-150 ठीक था। डबल लो, डबल से थोड़ा ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लोगों ने डबल से 4 गुना ज्यादा लिया, पता है। सो ये चीज है, ये चीज। और दूसरी चीज है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए लोगों ने मना किया मुझे। सो मैं नाम भी भूल रहा हूँ, शायद कुछ था, आप लोगों ने कार्ड पे देखा हो, जो पैसे लुटा रहे थे वो पैसा नहीं था इनका, उस एडवर्टाइजमेंट था। सो उस पे देखेंगे आप कौन सा क्या नाम है इसका। सो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि इस क्लब में कभी मत आना। इंजॉय तो किया मैंने, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग जो थे, ज्यादातर इसमें लड़कियां थी, वो इन्हीं की लड़कियां थी, पता है। और इसमें एक और चीज है कि आप अगर अकेले आओगे, मेरे साथ में तो ये पलोई थी, कहाँ गई यार, मेरे साथ में पलोई थी, तो बाकी लड़कियां जो है ना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दूसरे लड़कों को देखा ना जो अकेले थे, उनके पास यार इतनी सारी लड़कियां आ रही थी ना, बोलती हैं बियर पिलाओ ये, तो आप बिल्कुल ये मत करना। ये आपके लिए मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको, आप इसको बिल्कुल मत करना। कोई भी लड़की आए आपके पास बोले ये कर दो वो कर दो, जहां तक मुझे लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि जो लड़कियां आएंगी आपको तो मतलब 2-3 हजार बात का तो चूना लगाएंगी लगाएंगी। सो आप ये बिल्कुल मत करना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो अंदर अकेले, तो आप लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, अपना एंजॉय करना, आराम से वगैरह किसी के साथ करना है तो करना, बट किसी लड़की को कोई लड़की ऑफर कर रही है आपको, आगे टच कर रही है आपको, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। बस समोसा मिल रहा है 10 का। और सिस्टर 2 पीस 2 पीस। अभी मैं इसको पलोई को भी खिलाऊंगा ये समोसा, बोल रही है मुझे नहीं खाना क्योंकि इसको पता नहीं है। ईट ईट ईट, दिस इज इंडिया, ईट। पसंद नहीं आया तो दोनों समोसा मैं खा गया, भूख भी लगा था, मैंने कहा नहीं खाना मत खाओ, बोलती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा खाया इसने। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आगे बीच के सामने, वहां पे थोड़ा वॉक करेंगे। ये आप देख रहे हैं अभी 2:30 हो रहा है और काफी लोग यहाँ से चले गए हैं, आपको ये स्ट्रीट खाली खाली दिख रहा होगा। इस पे, इस ब्रिज पे ना आप दिन में आओगे तो काफी लोग इस ब्रिज पे रहते हैं, बट अभी कोई नहीं। 3 बज रहा है, ये देखो बात कर रही है मछलियों से, बोलती है बेबी फिश वेयर आर यू, हाँ व्हाट यू वांट, बोल रही है सी यू, पता है इसको मैंने लेके आया ना क्योंकि ये वहां से देखती है ना, तो वहां पहले ना वहां पे बैठ चुके हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ना पहला हमारा, तो हम लोग एक दिन रात भर बैठे हुए थे उस किनारे, वो किनारे हम लोग बैठे हुए थे रात भर, बार बार बोल रही थी कि मुझे वहां जाना है, तो चलो तुमको लेके चलते हैं अभी, वहाँ वॉक करेंगे उस पे ब्रिज पे। सो अभी हम लोग यहाँ पे बस 2 ही लोग हैं यहाँ इस ब्रिज पे, पूरे ब्रिज पे, और वॉक कर रहे हैं, और एक लग रहा है ये पुलिस कोई सिक्योरिटी है आ रहा है हम लोगों को देख के। ओए ये पागल है ये, अगर पिछली बार आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा ये रात को 2 बजे रात को मुझे जबरदस्ती इस ये समुंदर के अंदर लेके गई है। नो आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। ये जब पी लेती है ना बियर उसके बाद ये खुल जाती है, पता है। ये 2 बजे रात को मुझे ये समुंदर के अंदर लेके चली गई थी और इसके लिए मैं काफी परेशान हुआ था। अभी फिर इसको दौरा पड़ गया है, व्हाट।
अभी फिर इसको दौरा पड़ गया, बोलती है मुझे वहां पे जाना है। मैंने कहा चलो यार, अब मुझे पता नहीं है उस वहां पे कैसे जाया जाएगा उस रास्ते से, शायद मुझे लगता है फिर यूटर्न लेके फिर वहां मुझे जाना पड़ेगा। और मैं काफी थक चुका हूँ और मुझे अभी नींद की सख्त जरूरत है। और ये देखो ये पागल भी, तो इसको देखो, वेयर खाम 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 हाँ ओके What you want? Tell me. I want. You want there? ब्यूटीफुल। वैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है खूबसूरत यहाँ पे कुछ भी, ये बार बार मुझे बोल रहे थे कि वो ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत, वो खूबसूरत, मुझे तो कोई खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी। बस वहाँ पे एक बड़ा सा लिखा हुआ है पताया, जो आपको वहाँ से आप बीच जैसे ये वहाँ से आप बीच से देखोगे ना, वहाँ दूर से पताया बीच से, तो ये आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा ये। हाँ I don't want, just up to you. As you wish. Okay, go. Go where? In the sea? Hi. यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, हम दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ पे। रात के 3:30 बज चुके हैं। Look what? Buildings. Very big building. You wanna go inside the building? एक बंदा मुझे देखा, एक बंदी के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है अकेले, ये भी What? कोई लोकल ही है लगता है। देखो ये Where are you going? Don't go inside. Sit here, okay? Sit here. No, sit here. Sit here. Yes, here. एक बात बताऊं मैं आपको, ये ना दिल की ना बहुत अच्छी लड़की है पता है, क्योंकि ये बाकी लड़की जैसी, बाकी जो थाईलैंड की लड़कियां है ना उनके तरह ये नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं आप वीडियो में, इसको लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या पीछे से मैं वीडियो इसका बना रहा हूँ तो शायद कोई गलत चीज दिख जाए। सो ये सब चीज़ों का जो है ना, जैसे हमारी इंडियन लड़कियाँ करती हैं केयर, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग आते हैं। सो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि जो यहाँ की लोकल लड़कियाँ भी हैं ना उनको भी फ्लर्ट करते हैं इंडियन। सो मैंने कल देखा है कि कुछ 4-5 इंडियंस थे, सो 2-3 लड़कियाँ जा रही थी यहाँ से, लोकल थी वो, ठीक है, बट अकेली थी 2-3 लड़कियाँ, स्कूटी से थी। सो 2-3 लड़के पता है क्या, जो 4-5 लड़के थे पता है क्या बोल रहे हैं, हाउ मच। सो ये सब जो है ना गलत चीज़ है। तो का रिएक्शन क्या था कि वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोलती नो 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 आई नो वर्क। बीच के किनारे कोई भी आ सकता है, ये जरूरी थोड़ी है कि सभी सेक्स वर्कर ही हैं। सो यहाँ पे नॉर्मल लोग, इससे मैं मिला था बीच के किनारे ही, ये बैठी हुई थी क्योंकि वो रात को, ये रात को जॉब करती है। सो 2 बजे रात को इसका शिफ्ट ख़त्म होता है, सो वहाँ पे चली जाती है 2 बजे के बाद, थोड़ा सा बैठती है आधा एक घंटा, थोड़ा सा बीच को फील करती है और आधे घंटे में फिर चले जाती है घर पे ये। सो अभी तक तो मैं इसे 2-3-4 बार मिल चुका हूँ, अभी तक कोई मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये गलत लड़की है। अगर गलत लड़की होती तो अभी तक मुझे ये अभी अपने रूम में या मुझे होटल के लिए इनवाइट कर चुकी होती। सो ये एक अच्छी लड़की है मुझे लगता है। नो नो व्हाट यू विच सॉन्ग वी हर्ड इन क्लब? टेल मी विच वन अभी पता है आपको कौन सा गाना ये गुनगुना रही थी? दिल्ली से है बहनचोद वाला गाना जो नहीं है, हम क्लब में सुन रहे थे अभी। सो अभी इसके दिमाग में वो बैठ गया है, बोलती है बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैंने जब कैमरा उठाया तो बोलती है नहीं मैं भूल गई।
ओके तो अभी प्लोई गई और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। सो काफी अच्छा टाइम निकला उसके साथ। और ये मेरे लिए एक फूल लेके आई थी, पूछा ये रेड है इसका मतलब प्यार होता है, तो बोलती है नहीं नहीं मेरा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था, बोलती है नहीं नहीं फिर मेरा फूल मुझे वापस दे दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास रहने दो। सो उसके बाद बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद से मुझे बोली ठीक है तुम अपने पास रखो। सो अभी मैं बीच के किनारे आ गया हूँ और थोड़ा सा मुझे भूख लगा हुआ है अभी। तो अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और देखते हैं कुछ खा पी के जो है ना रूम में निकलते हैं। वैसे कुछ काफ़ी सारा चीज़ अभी भी बहुत मतलब पताया में तो यही चीज़ है कि आप पताया में कब रात कब दिन कोई पता ही नहीं चलता। सो इसलिए मैं बैंकॉक से भाग के आया यहाँ पे पताया में। मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ पताया का, बैंकॉक का भी। सो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, फेसबुक का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको फॉलो भी कर सकते। ये आप देख रहे हैं ये 4 किलोमीटर तक है ये बीच, 3-4 किलोमीटर तक है ऑलमोस्ट ऐसे लोग बोलते हैं। और यहाँ से लेके अभी तो कुछ मैं छोड़ के आ गया हूँ पीछे, यहाँ से अगर आप वॉक कीजिएगा फिर भी अभी आधे से ज़्यादा आपको मिलेगा बीच। और बीच के किनारे मतलब हर 1 मीटर पे आपको लड़कियाँ मिलेंगी। अभी समझ लो ये 4:30 बज रहा है सुबह का, अभी भी यहाँ पे आपको लड़की की कमी नहीं है, मतलब जितनी चाहिए उतनी मिलेंगी आपको। अगर आप लड़कियों को रेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है। ये मेरे लिए राइस और चिकन और ऑमलेट बना रही हैं और नो पोर्क, ओके? मैं पोर्क वगैरह नहीं खाता। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा, अगर आप पोर्क नहीं खाते, सुअर का मीट नहीं खाते, तो ये चीज हमेशा आप दिमाग में रखो कि कहीं पे भी इस तरह का होटल में जाओ, इस मतलब लगभग लगभग हर होटल में जो है ना पोर्क मिलता ही मिलता है। और सो खड़ा हो गया, आप लोग बनवाओ। 60 baht चिकन 50, ओके, टू एग हाउ मच 70 baht ओके। सो चिकन और राइस जो था आप 50 में आप खा सकते हो, बट मैंने 2 ऑमलेट बनवाया था सो 20 baht उसका लगा है। सो ऑल 70 baht और यमी लग रहा है, मैं यही ज़्यादा खाता हूँ यहाँ पे। ये अगर पैसा बचाना है तो आप इसको अगर आपको पैसा बचाना है तो इसका सेवन कर सकते हो आप लोग, राइस और चिकन ऑमलेट। सो ये अंडर 100 में आ जाता है। अगर थोड़ा आप अच्छा खाना चाहते हो, अगर इंडियन खाना, सो इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे 100 से ऊपर ही कोई भी डिश है तो 150, 200, 250, एक आप पराठा और कोई सब्जी लोगे तो भी आपको 150 पे करना पड़ेगा। सो मैं तो नहीं जाता वहाँ पे। सो अभी 5:20 हो रहा है और खाना खा लिया हूँ मैं, काफ़ी भूख लगा था। और चलते चलते मैं अपने हॉस्टल के पास भी आ गया हूँ। ये रहा मेरा हॉस्टल, ये बिल्डिंग जो देख रहे हो आप लोग। काफ़ी अच्छा खाना था, 70 baht में 2 ऑमलेट और चिकन और राइस। और एक चीज़ के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं वो जो बेली डांस था वो नहीं दिखा पाया। काफ़ी अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ थी जो डांस कर रही थी पहली बार। सो या क्लब तो मैं दिखा पाया आपको, सो अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पाया। सो जैसा मतलब चाह वैसा नहीं हो पाया क्योंकि वो लोगों ने मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया, खास करके जब बेली डांस हो रहा था तब। सो ये उनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। और पता नहीं जब लोग देख रहे हैं ना, और जब ऐसा कुछ है वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है तो आपको नोटिस डालना चाहिए बाहर। सो पहले मैं कैमरा होल्ड किया था ट्राईपोर्ड में मेरा फ़ोन, में वीडियो बनाते अंदर गया। सो वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह मुझे कुछ नहीं बोला, अगर ऐसा बोलता तो मैं जाता ही नहीं अंदर। सो इस चीज़ का अभी मुझे मलाल है कि हाँ 500 baht मुझे मेरा 500 baht मेरा लगा। सो मैं अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों को नहीं दिखा पाया। सो चलिए नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे क्लब में जाएंगे पता वता करके कि हाँ उसमें भाई पूछ के जाऊँगा अगली बार जाऊँगा तो। और हाँ, अगर आप लोग क्लब में इस तरह क्लब में जाते हैं आप लोग तो लड़कियों से बच के रहना, खास करके पताया में और बैंकॉक खाउसान या नाना प्लाजा। सो इस तरह का स्कैम्स यहाँ पे बहुत है। सो चलिए अभी सोएंगे तो पता नहीं कब उठेंगे, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो टेक केयर।